वेलकम टू अनदर ब्लॉग ऑफ अमृताज विद डेली लाइफ। मॉर्निंग हो चुका है, सब शांत है, रास्ता क्लियर है और सब डेली रूटीन जो है हम लोगों का स्टार्ट हो चुका है। आज स्पेशल कुछ नहीं है। अभी हमारे यहाँ पे कलकत्ता में ना रेनी सीज़न स्टार्ट हो चुका है, तो बारिश हो रहा है। बारिश का कोई टाइम नहीं होता है, कभी शाम, कभी सुबह, कभी दोपहर को, कभी भी हो सकता है। और मेरा जो रूफटॉप गार्डन है उसका हाल भी अच्छा नहीं है। ट्रिमिंग करना बहुत ज़रूरी हो गया है, तो उसको भी मैं एक दिन अच्छे से उसका करना पड़ेगा, ट्रिमिंग वगैरह मेरा। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी, आप नींबू का जो मैंने पौधा लगाया था ना छोटा सा, ये बास्केट में देखो, इसमें बहुत सारा फल अभी लगा है। और ये है मेरा कुछ फ्रिज मैग्नेट, मेरा कलेक्शन है फ्रिज मैग्नेट का। ये सारे मैंने कुछ ये सब जमा किए हैं, मुझे बहुत पसंद है और कहीं भी जाती हूँ ये सब लेके आती हूँ और इसको मुझे लगाने फ्रिज में लगा के रखना बहुत बहुत अच्छा लगता है। तो अभी आज इसको थोड़ा मुझे क्लीन भी करना है और क्लीन करके ना मैं सफाई हमें रोज़ ही करना होता है, तो थोड़ा थोड़ा मैं डिवाइड कर लेती हूँ। ये पोर्शन घर का आज करना है, कल उस पोर्शन को करना है। तो अभी आज फ्रिज मैग्नेट सारा निकाल के इसका सफाई करूँगी और फिर मैं इसको फिर से लगा दूँगी। और मेरा जो फ्रिज मैग्नेट का कलेक्शन है आपको दिखाई, आप देखो मैं कहाँ से लेके आई, मैं वो भी इसमें शेयर करूँगी। ये कुछ फ्रिज मैग्नेट है और ये ना मैं जहाँ पे घूमने जाती हूँ, कहीं पे भी घूमने जाती हूँ, बाहर जाती हूँ, आप देख सकते हो स्वेटिंग कितना ज़्यादा स्वेटिंग हो रहा है, क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा गर्मी है और चिपचिपाहट वाली गर्मी है। घूमने जाती हूँ ना, मुझे ये फ्रिज मैग्नेट कलेक्शन करना बहुत अच्छा लगता है। मैं छोटे छोटे सुवेनियर ढूंढ के लेके आती हूँ। ये वाला मैंने लेके आई हूँ बनारस से। बनारस में जो बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री, जो जहाँ पे सारनाथ टेम्पल है ना, बुद्धिस्ट टेम्पल, वहाँ के आसपास बहुत सारे दुकान है और वहाँ बहुत अच्छे अच्छे सुवेनियर मिलता है। और बुद्धिस्ट ये जो है देखो, ये डेटी, बुद्धिस्ट डेटी, ये भी उधर से भी मैं लेके आई हूँ। और ये सबको पता है दिल्ली ताजमहल मेटल का है। और थाईलैंड जब घूमने गई थी उधर से भी ये बहुत ही सस्ता है, ये वाला थाईलैंड में बहुत ही सस्ता है। कोई भी अगर घूमने जाओगे तो ये सारे जो वहाँ का लोकल प्रोडक्शन है ना, ज़रूर खरीद लेके आना। वहाँ पे थाईलैंड में ये सबको छोड़ के भी, और जो लोकल प्रोडक्शन टी शर्ट्स, ये सब बहुत ही सस्ता होता है। तो ये मैं लेके आई थी थाईलैंड में। ये जो देख रहे हो फ्लोटिंग मार्केट है, यहाँ मैं घूमने नहीं जा सकी, उतना टाइम मेरे पास नहीं था। अरे ये जो मार्केट है ये वाटर मतलब रिवर में फ्लोटिंग, मतलब ये नाव में ही सेल होता है और उधर से बहुत अच्छा है, ये उधर से मैं लेके आई थी। तो अभी साफ सफाई करके उसको सब समेट के वो सब लगा दूंगी। ये गिफ्ट मिला था, टूट गई थी ये ना, मटेरियल जो है बहुत क्या बोलते है, वो एम्स्टरडम से लेके आई थी। मेरी बहन है वो गई थी घूमने के लिए, वो लेके आई, और ये अच्छी है बहुत। गिर के ना टूट गया था, तो उसको सेरेटप से मैंने लगा के ऐसे ही रख दिया। और ये भी सेम है, ये भी टूट गया, फिर भी ये देख रहे हो ना, ये भी अच्छा है, टूटा हुआ भी है, मगर इसको भी मैं अच्छे से रख दिया है। वही फ्रिज मैग्नेट जो है ये स्ट्रॉन्ग है, ये अच्छा है। Thank you.
बंगाल में ना विंटर का जो रेनी सीजन होता है उसमें एक स्पेशल हम लोग बनाते हैं घर में रेसिपी पकोड़ा, एक जो उसको डेट होता है ना, जो उसका जो पम डेट, हाँ ताल बोलते हैं, तालेर बोड़ा तो वो पकोड़ा सभी को बहुत पसंद है। उससे पकोड़े का अलावा भी बहुत सारे अलग अलग चीज रेसिपीज बनते हैं, पूरी बनता है, खीर बनता है, और ये बहुत टेस्टी होता है। फ्रूट, एक फ्रूट है उसका जो पल्प है उसको निकाल के फिर उसके साथ हम लोग कुछ चीज ऐड करके ना वो टेस्टी चीज बनाते हैं। अभी मेरे हाथ में है लस्सी, और थोड़ा सा टायर्ड जब हम होते हैं ये लस्सी बहुत ही अच्छा होता है। ये इसमें मैंने बर्फ नहीं डाला है गले के लिए और तबीयत के लिए, और दही डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, कैल्शियम भी चाहिए हम लोगों को बोन स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, और थोड़ा सा चीनी भी ऐड किया हुआ है एनर्जी के लिए। यस, ये जो लस्सी हम बना रहे हैं ना, लस्सी में ना आप कॉन्डेंस मिल्क जो होता है उसको भी आप ऐड कर सकते हैं। कॉन्डेंस मिल्क से बहुत बढ़िया टेस्ट आता है, मतलब कर्ड के साथ कॉन्डेंस मिल्क एक साथ मिक्सी में डाल के भी आप बना सकते हैं। कई तरह के लस्सी होता है, स्वीट लस्सी, फिर सॉल्टेड लस्सी, मैंगो लस्सी, चॉकलेट लस्सी, एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। तो मेरे लिए अभी सिंपल सा लस्सी है, स्वीट लस्सी, मैंने कर्ड और चीनी डाल के ही बना लिया है। तो काम करते करते थकान होता है, पेट के लिए भी भूख के लिए भी जरूरी होता है, तो ये सबका काम कर देगा। तो अभी मैं थोड़ा सा आगे का काम भी हमें करना है। मेरे साथ देखते रहिए, बने रहिए, मेरा रोज का जो काम है मैं सभी आपके साथ थोड़ा थोड़ा शेयर करती हूँ। डेली लाइफ ऑफ अमृता, डेली रूटीन अमृता, यस डेली लाइफ ऑफ अमृता। दोपहर का हमारा लंच, सिंपल लंच चावल है, और ये जो कद्दू का एक सब्ज़ी बनाया उसमें सिर्फ 5 फ़ोरन और उसमें ग्रीन चिली डाल के ये भाजी टाइप का होता है, बहुत टेस्टी बनता है, सिर्फ थोड़ा सा नमक और कुछ नहीं, रेड लेंटिल मतलब मसूर का दाल, और वो भी काला जो जीरा होता है वो डाल के, ना लहसुन ना प्याज, बिल्कुल सादा तरीके से, थोड़ा सा आलू गोभी का सब्ज़ी। बारिश के मौसम में पकौड़ा सा इवनिंग स्नैक्स बहुत ज़बरदस्त बनता है, तो मैंने थोड़ा सा आलू बॉईल करके इसको स्मैश कर लिया है, नमक और ब्लैक पेपर ऐड कर दिया है इसमें, और इसको मैं बस ऑयल गरम करने के बाद बेसन का गोला जो मैंने बनाया है उसमें डाल के फ्राई करूँगी, एंड दैट मच। सो ये बन के तैयार हो जाएगा इवनिंग स्नैक्स, आप भी बनाइएगा ज़रूर। आप आलू में मसाला, प्याज सब कुछ डाल सकते हो, जो भी आपको मन चाहे, और फिर आलू को आप मसाले के साथ भून के भी इसको ऐसे बना सकते हैं। ये बेसन है, और अभी ये फ्राई करूँगी, और जो टमाटो सॉस, मैगी टमाटो सॉस सिंपल सभी के घर में होता है, तो ये हमारा हो गया है इवनिंग स्नैक्स। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा। तो आलू का ये जो पकौड़ा है ना बहुत ही लेस स्पाइसी, थोड़ा सा मैंने इसमें स्पाइस ऐड, थोड़ा सा इसमें मैंने ब्लैक पेपर ऐड किया है और कुछ नहीं, नमक और ब्लैक पेपर छोड़ के इसमें और कुछ नहीं डाला है। फिर भी ये ना गर्मा गर्म खाने में बहुत टेस्टी बनता है। यहाँ पे भी बारिश हो रहा है, तो बारिश में इवनिंग में स्नैक्स के तौर पर रोज़ मत खाओ भाई, तेल में डीप फ्राइड चीज़ बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, मसाला और तेल ये थोड़ा सा कम खाना ही अच्छा होता है।